एयर स्ट्राइक्स के दिन 26 तारीख को एयर स्ट्राइक्स हुई थी, आपको मिनट टू मिनट जानकारी थी उस समय क्या होगी, एयर स्ट्राइक्स कब होंगे? मेरा स्वभाव है कि जब ऐसी बात बनती है जिसमें मैं देश के जवानों की जिंदगी पर रिस्क होता है तो मैं अपने आप को अलग नहीं कर पाता हूं, मैं उसे जुड़ा रहता हूं। ये ठीक है, कोई अफसरों की अपेक्षा नहीं होती कि प्रधानमंत्री रात भर जागते रहे, लेकिन मैं खुद ही अपने आप को रोक नहीं सकता हूं और इसलिए मैं पूरी तरह इन्वॉल्व था और होना भी चाहिए मुझे। प्रधानमंत्री जी, इसके बावजूद पुलवामा के बाद सारे विपक्ष एकजुट होकर उन्होंने कहा कि ये साजिश है, कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में इस साजिश में थे और बालाकोट के अटैक के बाद ऑपोजिशन ने कहा कि देखिए इमरान खान और नरेंद्र मोदी के बीच में मैच फिक्सिंग है, मैच फिक्सिंग शब्द का प्रयोग किया गया था, तो ये पॉलिटिकल अटैक नहीं था, एक पर्सनल अटैक था, आप पर पर्सनल अटैक था। इतना पर्सनल क्यों था, चुनावों के कारण था कि कुछ और था, बैक स्टोरी? एक तो इस सवाल का जवाब वे लोग दे सकते हैं जो इस प्रकार की पर्सनल अटैक के आदि हो गए हैं, हर चीज में पर्सनलाइज अटैक करने की उनकी आदत है। इस देश का कोई व्यक्ति नरेंद्र मोदी की देशभक्ति पर शक नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। मेरा जीवन बोलता है, मुझे शब्दों से बोलने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इस प्रकार की सोच देश के किसी राजनीतिक दल के नेतृत्व के पास है तब चिंता देश को करनी चाहिए कि ऐसे मनस्थिति के लोग राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक इतनी बड़ी घटना, सारी दुनिया की हमारे प्रति सिंपैथी का भाव है, टेररिज्म इश्यू बन गया है, विश्व में टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने के नेतृत्व में भारत बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है, ऐसे समय ऐसी गंदी राजनीति कर करके देश का हम कितना नुकसान कर रहे हैं इसका भी इन्होंने सोचा नहीं। मुद्दा मोदी नहीं है, ये सारे देश के लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है अगर इस प्रकार की सोच और भाषा प्रयोग होती है। और हुआ क्या कि उन्होंने बड़े उत्साह में कह तो दिया, लेकिन जब जनता की तरफ से नकारात्मक आया तो आपने देखा होगा उनके मुंह पे ताले लग गए, बोलते नहीं है, खुद ही डर गए, तो उनको समझ आया है। और अभी भी मैं कहता हूं अगर इन आरोपों में कोई सच्चाई हो, उनके पास उनका कन्विक्शन हो, तो इस चुनाव में इस मुद्दे को लेकर के उन्होंने जाना चाहिए, जनता को कहना चाहिए, इतनी हिम्मत उन्होंने दिखानी चाहिए। एंड लेट द पीपल डिसाइड।